आप निर्दोष को ले आके मारते हैं और अपनी अपनी जो छाती पीटते हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के बाद लगा कि मंगेश यादव एनकाउंटर पर शुरू हुआ सियासी बवाल थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश के नेताओं के बाद अब राहुल के बड़के नेता मंगेश के परिवार से मिलने पहुंच गए। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जौनपुर पहुंचे, जहां वो सीधा सुल्तानपुर पुलिस एनकाउंटर पर मारे गए मंगेश यादव के घर गए। यहां अजय राय ने मंगेश यादव के पिता के कंधे पर हाथ रखकर उनका दुख दर्द बांटा, परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंगेश के बाद अजय राय मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए योगी सरकार को टारगेट पर ले लिया। मंगेश एनकाउंटर को फेक बताते हुए कांग्रेस नेता बोले, ये सरकार सिर्फ विरोधियों को ठिकाने लगा रही है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान सीएम योगी का बिना नाम लिए उन पर निशाना साध दिया, कहा आप निर्दोष को मार कर छाती पीटते हैं। जब डकैती 12 बजे होती है, बगल में एसपी ऑफिस के बगल में होती है, थाने के बगल में होती है, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, दिन में लूट कर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आप निर्दोष को ले आके मारते हैं और अपनी अपनी जो छाती पीटते हैं। योगी सरकार पर बरसते बरसते अजय राय योगी बाबा के बुलडोजर तक पहुंच गए, क्या कहा सुनिए। ये सरकार लगातार अत्याचार बुलडोजर चला रही थी। अभी बुलडोजर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई ना, इनके ही बुलडोजर पे रोक लगी ना, इसका मतलब कि गलत ये कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका इसको और हिदायत दी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका यही हो गए हैं। बीजेपी सरकार पर तीखे शब्दों के बाढ़ चलाने के बाद अजय राय ने मामले की न्यायिक जांच की मांग कर डाली। अगला स्टेप मैं राज्यपाल को आज पत्र लिखने जा रहा हूं और इस पे न्यायिक जांच की मांग करूं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अखिलेश बड़े नेता सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी और उनके मंत्री पुलिस का बचाव करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।